पहले तो स्वागत है आपका आपके शहर में। और क्या बताएंगे बनारस के बारे में आज? दोस्तों नमस्ते, मैं अनिल आपके बीच, और अभी हम हैं भगवान शिव की नगरी मंदिरों के शहर बनारस में। यहाँ आने का अवसर मिला है विकास सर के माध्यम से, और अभी हम माँ गंगा के बीच में हैं। पीछे का दृश्य आप देख पा रहे होंगे, और बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अनोखा और बहुत ही शानदार शहर है। हालांकि अभी एक रात ही गुजरी है, छोटी छोटी गलियों से होके आए हैं, लेकिन उनमें भी जो आनंद आया, उसको जो हमने हमें जिस तरह से देखा, वो कमाल है। और साथ में शारदा दीदी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपसे बात करेंगे थोड़ी सी, वो थोड़ा जल्दी में लग रहे हैं, लेकिन कहाँ छोड़ने वाले हैं थोड़ी सी बात करेंगे उनसे, उनके बारे में पूछेंगे। तो बनारस से हैं तो बनारस के बारे में बेहतर बता पाएंगे। और अभी जो कैमरा संभाला हुआ है हमारे आदरणीय विकास सर ने, तो सर से कर लेंगे बात, कोई नहीं, पहले दीदी से कर दे। दीदी तो पहले तो स्वागत है आपका आपके शहर में। और क्या बताएंगे बनारस के बारे में आज आप हमें यहाँ पे, ये जो इतना खूबसूरत शहर दिखा रहे हैं, गंगा का पूरा दृश्य, तो क्या कहेंगे आज आप? आप दुनिया के सबसे पुरानी नगरी में हैं, और जहाँ ये तो सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, इतने पुराने शहर में आ करके, जिसे भगवान शिव का आनंद वन भी कहते हैं, केवल आनंद ही आनंद। आपने भी सुबह से यहाँ देखा होगा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो तो आनंदित होकर के, और दुनियादारी से थोड़ा सा अलग होकर के, मतलब दुनिया में रह करके भी दुनिया से आप अलग हैं। वाह, तो आपने किस मतलब प्रॉपर आप बनारस से ही हैं, कब से ये जो घाट दिख रहे हैं, ये जो मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल ये सब चीज़ें पुरानी हैं, आपने इनको बनते हुए बहुत सारी चीज़ें देखा होगा, तो आप जब हमें तो ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए कैसा रहता है? क्योंकि रोज़ आने वाले लोगों के लिए, जैसे हम लोग सर विकास सर जैसे ब्रह्म सरोवर को देखते हैं, और उस तरह से हमारे लिए कुछ अलग अनुभव होता है, लेकिन आप लोगों के लिए कैसा रहता है? हम तो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं, काशी में है, जहाँ लोग आने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, आने के लिए इतना सोचते हैं, कुछ लोग आ पाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते हैं मोक्ष की नगरी में, और हम तो यही हैं, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत आनंदित हैं हम जी। और जहाँ भगवान शिव हैं, माँ गंगा हैं, तो वहाँ खुशी रहेंगे, और खुश नहीं हम आनंदित हैं, क्योंकि हमारी आत्मा यहाँ बहुत खुश रहती है। क्या बात है। तो अभी शारदा दीदी ने बताया अपने बारे में कि किस तरह से यहाँ के वो रह रही हैं, और बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं कि वो इस धरा पे हैं, और इस साथ में ही कृष्ण भाई हैं, ये पूरी की पूरी हमारी नाव को संभाल रहे हैं। मेरी तो छोटी सी नाव और तेरे जादू भरे, सब सही है, तो काफी बढ़िया तरीके से हमें लेके आए, फिर भी घुमा देंगे। अच्छा, दोबारा घुमा देंगे, तो थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं कृष्ण भाई। हमारे बारे में क्या, छोटे से बड़े हुए घाट पे, और क्या चीज़ है। अच्छा, तो कौन से गांव से हैं आप? हम लोग इस गांव के, उस पार के, सुजाबाद गांव। सुजाबाद पलावासी। अच्छा, सुजाबाद गांव से हैं कृष्ण भाई। तो आपने ये जो नाव है, मतलब इतने बढ़िया ढंग से चला के लाए, तो किस उम्र में आपने ये सीख ली थी चलाने? सीखे हैं 5 साल के रहते हैं। 5 साल तैरे तैरे, पैसा ऐसा अंदर जी गोता होता सब मारते हैं, तो स्किल इंडिया। और 5 साल में मैं तो खास करके सर निक्कर पहनना नहीं सीख पाया हूँगा 5 साल की उम्र में, और भाई साहब पापा सिखाए जबरी। अच्छा, सीखने नहीं चलाते स्कूल में, पहले पढ़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हाँ, स्कूल में पढ़े तो पापा नाव में उठा के फेंक दिए, उड़े सर वही दिन पापा चले गए, गुजर गए, मगर हमें तबे ने नाव बना लिए, चलाने भी आता है, कमाने भी आता है। आपने आपने खुद ही बनाया ये नाव? खुद ही बनाया। एक बार दिखाएंगे, ये जो पूरी इतनी विशाल नाव है, ये कृष्ण भाई ने खुद ही बनाई है, और 5 साल की उम्र में देखो क्या कमाल किया हुआ है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आज हमसे 1000 रुपये लेने वाले हैं। अब देखो कितना अच्छा रोजगार किया हुआ है, और जो दूसरा जो पार लगाना जो काम है वो उससे भी बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें पार लगाया वो सुरक्षित, तो धन्यवाद। और सर आप क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा लग रहा है? आज बहुत बढ़िया अनिल, और आज तो एक तरह से आप पूरे इस मामले के निर्देशक हैं, तो आपके ऊपर ही पूरा दारोमदार रहेगा,
और हम भी ये चाहेंगे कि आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे जगह को हम अच्छे से अपने दोस्तों के सामने रख सकें, साझा कर पाएँ। और दूसरी बात यह है कि शारदा जी जिस तरह से चीज़ों को बताते हैं उसमें पहली बात तो ये है कि अनुभूत बातें हैं, वो कहने के लिए बात नहीं है, उसके पीछे एक पूरा का पूरा मर्म है एक तरह से। तो शारदा जी के साथ एक तरह से इस नगरी में घूमना हमें भी लगता है कि एक गुरुदेव डॉक्टर लग रहा है सर, कोई उस तरह डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का गुरुदेव का ही आशीर्वाद है जो लगातार हमारे साथ चल रहा है और शारदा जी उनको मानती रही हैं, सुनती रही हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं, आपको कुछ नए दिखाते हैं। बनारस में हैं इस समय हम।